हाय एवरीवन, माय नेम इज भास्कर। यू आर वाचिंग फॉर कोड फॉर एजुकेशन। जैसे कि गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बूटस्ट्रैप 4 का अकॉर्डियन मेन्यू को कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। उससे होगा क्या गाइस कि यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स के पोस्ट डेली बेसिस पे मिलते हैं एंड आप मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी को रिसॉल्व भी करवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि एग्जांपल क्या होने वाला है। ये देखिए गाइस, बूम, हम इसके अंदर आपका यूएल मैं आपको डाल के दिखाऊंगा एक, एंड यहाँ पे एक आपका आइकन है, ये आइकन मैं कैसे यूज कर रहा हूँ मैं आपको ये बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम ब्राउजर को सेट कर लेते हैं एंड एडिटर पे आते हैं। एडिटर पे आने के बाद क्या है, सबसे पहले गाइस कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सीडीएन लिंक यूज कर रहा हूँ मैं बूटस्ट्रैप 4 का। ओके, एंड फॉन्ट ऑसम यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरी एक्सटर्नल सीएसएस है एंड यहाँ पे मेरी जितनी भी जेएस है ये आपके बूटस्ट्रैप जो प्रोवाइड कराता है हमें वो है। तो बूटस्ट्रैप की साइट पे हम एक बार चल लेते हैं गाइस एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन सा अकॉर्डियन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना गाइस, यही वाला मैं यूज कर रहा हूँ, बस इसको हमने मॉडिफिकेशन कर दिए गाइस। ओके, तो वो मॉडिफिकेशन कैसे करिए मिनिमम सीएसएस वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना गाइस तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करिए। तो यहाँ पे जो भी आपका कोड है ना गाइस इसी को मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये ऐसे कोड में बस क्या है कि यहाँ पे आपका बटन लिखा हुआ है, बस मैंने क्या करा है गाइस कि यहाँ पे इसके बदले टेक्स्ट कुछ और लिख दिया है एंड मैंने इसके साथ यूएल को एड ऑन कर लिया है इसके अंदर, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एडिटर पे वापस। एडिटर पे आने के बाद क्या है कि कोड मैंने लिखा हुआ है गाइस, तो इसी कोड को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ कि जिससे कि मेरे को लिखना ना पड़े दोबारा, बट मैं आपको समझाऊंगा जरूर एक एक चीज इसके अंदर कि ये आपको सब कुछ पता है कि ये बटन यहाँ तक मैं आपको दिखा चुका हूँ। ओके, उस बटन के अंदर मैंने क्या करा है, बस एक स्पैन लिया है गाइस। स्पैन में मैंने क्या करा है, फाउंट ऑसम की क्लासेस को डाल दिया है, दैट्स इट। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बनाने वाला। यहाँ पे हमने प्लस का आइकन के लिए प्लस यूज करा है, सर्कल के लिए सर्कल यूज कर लिया है गाइस। ओके, बस हम इसकी सीएसएस लिखेंगे, वो हमारी उस चीज के अकॉर्डिंग डिजाइन रेडी हो जाएगा गाइस। एंड उसके नीचे क्या किया है गाइस, मैंने एक डिव लिया है। डिव पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे यूएल ले लिया है मैंने, यूएल पे एक डमी डेटा रख लिया है जो भी हम दिखाना चाहते हैं। इसी चीज को कॉपी पेस्ट करके हमने क्या करा है गाइस कि यहाँ पे सर्विस है, आइकन है, सेम सर्कल प्लस एंड उसका यूएल। एंड जब हम थर्ड वन देखेंगे तो सेम रिसर्च है, आइकन है, सर्कल एंड प्लस है, उसके बाद उसका यूएल। तो ये चीज आप जब देखेंगे ना ब्राउजर पे तो आपको इस तरीके से दिखेगी अभी ये। ओके, क्यों, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है अभी चीजें। अब इसको हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। अब ये सेंटर में कैसे आ रहा है, ये ब्लू कलर कैसे आ रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो यहाँ पे जो हमारी सीएसएस है गाइस, यहाँ पे मैंने सबसे पहले फॉन्ट ऑसम एक लोड करवाया, पॉपेंस यूज कर रहा हूँ मैं। हेस्टर साइन पे क्या कर रहा हूँ, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स। एंड बॉडी पे क्या कर रहे हैं हम गाइस कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप दे रहे हैं ईई, एंड मेन हाइट दे रहे हैं 100 BH का, विड्थ दे रहे हैं 100% का, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन एटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट एंड फॉन्ट फैमिली के लिए। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे जिस क्लास को, वो क्लास का मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं आपको हर चीज बताते हुए चलूंगा गाइस इस वीडियो में कि जिससे कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। ये क्लास कहाँ यूज की गई है सबसे पहले गाइस, ओके। एंड इस क्लास के लिए मैं आपको सबसे पहले ऊपर लेके चलता हूँ, ये क्लास आपकी ये रही। ओके, इस क्लास पे हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास पे हम मैक्स विड्थ लगाएंगे गाइस कि जिससे कि हमारा जो कंटेंट है वो एक मिनिमम विड्थ तक ही ले, एंड इसके अंदर 100% की विड्थ देंगे। ओके, एंड यहाँ पे बॉक्स शेडो देंगे गाइस, आरजीबी ए 0.0, ओके भी आपको रखना है। ओके, तो ये सीएसएस हमने कंप्लीट कर लिए। ब्राउजर पे एक बार चलते हैं। ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो हमारी यहाँ पे विड्थ बढ़ गई है एंड अभी हमारा जो आउटर का जो कंटेंट है वो हमारा आया है, बस अभी अंदर का जो कंटेंट है वो अभी नहीं हुआ है और शेडो आने लगी है गाइस। एंड बिना रिफ्रेश करे मैं एक ब्राउजर पे कैसे देखता हूँ, ये मैं करता हूँ वीएस कोड के एक्सटेंशन लाइव सर्वर के थ्रू। जैसे कि आप राइट साइड में देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर चल रहा है मेरा, ये सर्वर चल रहा है, तो मेरे को रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो नेक्स्ट क्या है गाइस, नेक्स्ट इसके अंदर लेंगे हम सेम इस क्लास को एंड इसके बाद लेंगे हम कार्ड को, एंड मैं ग्रुपिंग करूंगा इसमें एंड सेम इसको लेंगे, इसके बाद हम कार्ड को लेंगे एंड लास्ट चाइल्ड लेंगे हम। ओके, इसके बाद कार्ड हेडर जो होगा इसके अंदर उस पर हम करेंगे बॉर्डर को नन। ओके, ये हम क्यों कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं गाइस, जो अब नेक्स्ट क्लास में लूंगा ना
इस पे हम देने वाले हैं कार्ड, यूएल पे हम क्या करेंगे, पैडिंग लेफ्ट से होगा आपका 20 पिक्सल होगा। ओके समझिएगा गाइस अभी हो क्या रहा है इसमें। अभी मैंने क्या करा, ग्रुपिंग करके कार्ड के साथ, कार्ड का जो लास्ट चाइल्ड है उसके अंदर अगर ये क्लास मिलती है कार्ड हेडर तो उस पर बॉर्डर नन कर दिया। ये क्लास कहाँ पे, मैं पहले सबसे पहले आपको एग्जांपल समझाना है मेरे। तो यहाँ पे क्लास ये रही, इसके बाद कार्ड ये रहा, उसके बाद कार्ड हेडर, इसका जो लास्ट चाइल्ड है, लास्ट क्या हुआ गाइस कि मैंने यहाँ पे 3 यूज करें तो लास्ट मेरा 3 नंबर का हुआ। ओके तो वो उस पर क्या होगा कि बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा एंड कार्ड के अंदर जितने भी यूएल होंगे ना उस पर पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल लग जाएगी गाइस। ओके नेक्स्ट सीएसएस भी लिख लेता हूँ मैं क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा डिजाइन है वो दिखेगा आपको वहां पे ब्राउजर पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर बॉटम कलर। ओके एंड यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, कलर डिजाइन, हम कलर डिफाइन करेंगे ईडी ईएफएफ ओके 0। ठीक है बैकग्राउंड क्या करेंगे गाइस, ट्रांसपेरेंट कर देंगे हम। ठीक है गाइस हमने ये किसका करा, कार्ड हेडर का करा। जब हम ब्राउजर पे चलेंगे ना तो ब्राउजर पे चलने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। तो अभी क्या है कि आपको अंडरलाइन दिख रही होगी हर किसी के पास में, बट आपको लास्ट वाली अंडरलाइन नहीं दिखेगी गाइस, गौर करिएगा इस चीज को। ओके एंड नेक्स्ट सीएसएस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट होगा आपका हम क्लास ले लेते हैं यहाँ से माइकडियन एंड यहाँ से फा, फा के अंदर हम इसका। ओके ये फॉन्ट ऑसम को मैं सीधा डिजाइन कर रहा हूँ गाइस, तो इस पे हम देंगे आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज होगा आपका 18 पिक्सल। ओके ये कहाँ पे है क्लास, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ एचटीएमएल पे, एचटीएमएल पे ये क्लास ये रही गाइस। ओके तो ये क्लास यहाँ पे भी कॉल हो रखी है, ये क्लास यहाँ पे भी कॉल हो रखी है। ओके तो ये फॉन्ट आपका अकॉर्डिंग ले लेगा इसके कि इसके अंदर जितने भी होंगे। ओके तो मैं एक बार ब्राउजर पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है अभी क्या है कि आपको बड़ा दिख रहा था, देन आप ये छोटा दिखने लगा। तो अब करना क्या है गाइस हमको, नेक्स्ट नेक्स्ट हम करेंगे माय अकॉर्डियन में ही बीटीएन लेंगे। ओके मैं आपको अभी ये क्लास दिखाऊंगा कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। विड्थ 100% करेंगे एंड फॉन्ट वेट करेंगे गाइस आपका बोल्ड। ओके एंड बोल्ड के बाद करेंगे हम यहाँ पे कलर डिफाइन, कलर डिफाइन करने के बाद हम करेंगे 00 49 and 87। ओके पैडिंग दे देंगे यहाँ पे गाइस 0। ठीक है ये बीटीएन कहाँ पे है गाइस, ये मैं आपको सबसे पहले एचटीएमएल पे दिखा देता हूँ कि ये बीटीएन आपका ये रहा गाइस। ओके जैसे कि आप देख पा रहे हैं बटन पे ये चीज कॉल करी हुई है और हम बटन को ही डिजाइन कर रहे हैं प्रॉपर। ओके तो ये हमने क्या करा है, यहाँ पे विड्थ दिए एंड उसके बाद पैडिंग 0 करा है एंड कलर दिया है हमने। तो ब्राउजर पे हम जब चलेंगे ना और देखेंगे गाइस तो हमारा टेक्स्ट भी उसी कलर का हो गया है एंड यहाँ हमारा आइकन भी उसी कलर का हो गया है एंड आइकन राइट साइड चले गए हमारे। ओके तो अब डिजाइन हमारा थोड़ा सा कूल लग रहा है एंड इसके बाद में हमें थोड़ी बहुत चीजें और चेंज करनी है डिजाइन में, तो वो कैसे करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ गाइस, बस बूटस्ट्रैप का ही है, बूटस्ट्रैप की चीज को हमने मॉडिफिकेशन कर रहे हैं बस थोड़ी सी कि ज्यादा वो अच्छी दिख सके चीज। ओके डॉट BTN, BTN के अंदर क्या होगा गाइस, BTN लिंक होगा, उस पर अगर जब होवर होता है तो ग्रुपिंग कर रहा हूँ गाइस इसमें मैं एंड ग्रुपिंग करके मैं होवर एंड फोकस दोनों को ले लेता हूँ एंड इसमें करेंगे क्या गाइस, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे। ओके एंड लास्ट सीएसएस क्या होगी इसके अंदर, माय डेकोरेशन में इसको LI मिलेगा एंड प्लस LI के अंदर LI उस पर मार्जिन आपका टॉप 10 पिक्सल होगा गाइस। तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे मैंने इस CSS से और इस CSS से क्या हो रहा है। इस CSS से क्या हो रहा है गाइस कि होवर एंड फोकस होने पे हमारा पहले तो जो अंडरलाइन आती है बाय डिफॉल्ट एंकर पे वो नहीं आएगी, तो वो हम किस पे यूज कर रहे हैं आपका BTN लिंक पे, तो वो कहाँ पे क्लास है ये रही गाइस बटन पे। ओके एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं हम उसके अंदर LI प्लस LI जितने भी हमारे LI है ना गाइस ये उसके बाद जितने भी LI होंगे उन पे आपका मार्जिन सेट हो जाएगा। ओके दैट्स इट, CSS इतनी ही थी गाइस। तो हम जब ब्राउजर पे देखेंगे ना तो ये हमारा डिजाइन रेडी है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे बूम गाइस आप देख रहे हैं कितना ऑसम सा ये लुक आ रहा है। तो गाइस ये रिस्पॉन्सिव भी ही होगा, आप अगर इसको रिस्पॉन्सिव भी देखना चाहेंगे ना तो आपको मैं रिस्पॉन्सिव दिखा देता हूँ।
किसी भी स्क्रीन के लिए गाइस, ओके किसी भी स्क्रीन के लिए ये रिस्पॉन्सिव ही रहेगा गाइस। आप कितने भी विड्थ कर लीजिए इसके रिस्पॉन्सिव ही होगा, क्यों? बिकॉज हमने बूटस्ट्रैप यूज किया है गाइस, ओके और मिनिमम सीएसएस में हमने उसको कस्टमाइज कर लिया अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे ना गाइस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिए गाइस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, जिस किसी ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय गाइस।